वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेकअप, लेकिन यूजिंग ओनली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। यस, मैं आज के वीडियो में जो प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा सस्ते होने वाले हैं, येट इट्स ऑफ ग्रेट क्वालिटी। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द लिप बाम। मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का लिप बाम लिया है, या इसका नाम वही है। एंड आई थिंक ये 85 या 95 रुपीज़ का है। मैं स्क्रीन पे ऑब्वियसली सारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसके नाम और जो भी उसका प्राइस है वो मेंशन कर दूंगी। तो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस प्रोडक्ट, हम अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देंगे। ओके, सो वंस द लिप्स आर नाइसली मॉइस्चराइज, हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्राइमर लेंगे। और मैं आज इनसाइट प्राइमर 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट प्लस मॉइस्चराइज, ये वाला प्राइमर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। और इसका प्राइस आई थिंक 225 रुपीज़ या 200 रुपीज़ कुछ तो भी है, अगेन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो थोड़ा सा हम लेंगे, और ये वाला जो प्राइमर है गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा है। लाइक जो इसका प्राइस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये इतना अच्छा प्राइमर है कि सीरियसली। तो इसको मैं सिर्फ अपने सेंटर्स ऑफ द फेस पे लगा दूंगी, जस्ट लाइक दैट। जो नायका का प्रेपमिया प्राइमर है ना, ये बिल्कुल वैसा है, लेकिन उससे भी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन है। इसके लिए बहुत ही अच्छा प्राइमर है। सो या ओके, जो फेस है वो अभी अच्छे से प्राइम हो गया है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे दैट इज अ फाउंडेशन। और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये जो है वो 500 एंड समथिंग रुपीज़ का है, बट इसमें ना एक छोटू सा साइज भी आता है जो सिर्फ 299 रुपीज़ में। एंड आई थिंक मेबलिन के जो फाउंडेशन है दोज आर बेस्ट फाउंडेशन इन द मार्केट, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो या आई विल सजेस्ट दिस फाउंडेशन। इसमें एक छोटू सा साइज आता है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। सो आई एम इन द शेड 228 फॉर दिस। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको ऐसा एक पंप आता है तो मैं थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लूंगी, एंड देन मैं इसको डॉट डॉट करके लगाऊंगी मेरे फेस पे। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है, बिल्कुल भी हैवी या स्टिकी कुछ भी नहीं लगेगा आपके फेस पे। और इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है, लाइक मीडियम कवरेज है बट बिल्डेबल है। ऐसे नहीं है कि इसका कवरेज मीडियम है तो मतलब आप बिल्ड नहीं कर सकते हो। आप और एक लेयर लगा के इसको अच्छे से दोबारा से इसका कवरेज जो है वो फुल बना सकते हो, एंड येट ये फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। तो मैंने अभी फाउंडेशन स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं ऐसा ब्रश लूँगी और ब्रश के हेल्प से मैं फाउंडेशन को अच्छे से मेरे फेस पे ब्लेंड कर दूंगी। आप देख रहे हो कितना अच्छे से ये फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो रहा है मेरी स्किन में। लाइक मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कोई मेहनत नहीं लग रही है। आप ये ब्रश से ब्लेंड करो या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, इसका फिनिश जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो वी आर डन ब्लेंडिंग द फाउंडेशन। एज यू सॉ कितने अच्छे से और कितने ईजी वे में जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो गया है मेरी स्किन पे। सो नेक्स्ट थिंग आता है कंसीलर, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे कंसीलर की अभी ज़रूरत है। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो वॉट यू कैन डू इज़ अ प्रो टिप इज, आप फाउंडेशन लेके आपकी आँखों के जो अंडर आइज सर्कल्स है उस पर एक लेयर लगा के वापस से ब्रश से आप उसको क्या बोलते हो, हाइड कर सकते हो, कंसील कर सकते हो। सो या हम कंसीलर यहाँ पे अभी नहीं यूज़ कर रहे। सो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट स्टेप विच इज सेटिंग द फेस। ओके, सो आई हैव ज़ूम्ड यू गाइस अ लिटिल बिट इन, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत दूर से मैं मेकअप कर रही थी और आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। सो या अभी हम फेस जो है वो सेट करने वाले हैं, और उसके लिए स्विस ब्यूटी प्राइम एंड सेट का मैटिफाइंग पाउडर जो है, मैंने ये वाला पाउडर लिया है। इसका प्राइस सिर्फ 222 रुपीज़ है आई थिंक। अगेन मुझे एग्जैक्ट प्राइसेस अगर याद नहीं रहे तो स्क्रीन पे दे दूंगी। सो बहुत ही अच्छा सेटिंग पाउडर है, अगर आप एक बिगनर हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटिंग पाउडर है। तो ये ऐसे दिखता है, इसके साथ में आपको एक पफ मिल जाता है।
बट मैं वो निकालने नहीं वाली हूँ, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी वेरी मेसी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो यहाँ पे ऊपर मेरे को पाउडर दिख रहा है मैं ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा लूंगी और बस अपने अंडर आई के नीचे थोड़ा सा, मतलब पूरे फेस पे सेट कर दूंगी इस पाउडर को। ये वाला जो पाउडर है दैट इज अ ट्रांसलूशेंट पाउडर, सो इसका कोई कलर नहीं आएगा, बस आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा। ऑल्सो इसका कोई कवरेज भी नहीं है। सो वी आर डन विद द सेटिंग ऑफ आवर फेस। मैंने बहुत लाइटली इसको सेट किया है, बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है या फिर बेकिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा पाउडर लेके मैंने पूरे फेस को सेट कर दिया है ताकि वो जो शाइनी या ऑयली फेस लगता है वो बिल्कुल ही ना लगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आई शेडो। सो फॉर आई शेडो आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड आई शेडो इन द शेड रोजेट इन द एयर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है ये। सिर्फ 499 रुपीस में आता है, बट इस पे ना बहुत, मतलब ज्यादा टाइम डिस्काउंट चलता रहता है, सो यू कैन गो एंड चेक दिस वन आउट। सो हम अभी क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू यूज दिस ट्रांजिशन शेड फर्स्ट। तो मैं एक ब्रश में लेके एक्सिस टैप ऑफ कर दूंगी और ये शेड को मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगाने वाली हूँ। ये बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है, तो आपको इसको बहुत, मतलब कम प्रोडक्ट यूज करके बिल्ड करना है आपका आई शेडो। एक ही बार में आप ज्यादा ले लोगे ना, फिर वो बहुत मेसी हो जाएगा, फिर आप उसको मतलब चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट विद द लेस प्रोडक्ट एंड देन लेटर ऑन यू कैन बिल्ड दैट। सो इसके बाद में आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड जो कि थोड़ा रेडिश ब्राउन है, सो मैं उसको लेके अपने लिड पे लगा दूंगी। सो ये वाला जो मेकअप वीडियो है वो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली मेकअप वीडियो है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए वो सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज किए, और जो मेकअप मैं कर रही हूँ दैट इज नॉट लाइक अ फुल ग्लैम लुक। यू कैन इजीली अचीव दिस लुक और बहुत कम टाइम लगता है, लाइक आप देख रहे हो मैं बात करते करते कर रही हूँ तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और ऑलमोस्ट हमारा मेकअप जो है वो हो ही गया है। बस मैं बात कर रही हूँ इसके लिए थोड़ा सा मेरा स्पीड कम हो गया है, अदरवाइज बहुत फटाक से हो जाता है ये। तो मैं आप दोनों कलर्स जो मैंने क्रीज पे यूज़ किया था और लिड पे यूज़ किया था उन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे दोनों को मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद में एक अलग ही कलर हो जा रहा है। सो देख रहे हो कितना इजी है। सो दिस इज हाउ माई आईज आर लुकिंग राइट नाउ। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें एक शिमरी सा शेड है, यू कैन सी दिस, इसको मैं अपने फिंगर्स पे लूंगी लाइक सो। तो इसको मैं अपने फिंगर्स पे लूंगी थोड़ा सा, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बस सेंटर ऑफ द लिड्स, आप देख रहे हो कितना पिगमेंटेड है, मैंने अभी तक लगाया भी नहीं, तो सेंटर ऑफ द लिड पे मैं इसको थोड़ा सा पैट कर दूंगी हल्का सा। आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस और नॉट, क्योंकि कैमरा में ना बहुत अलग दिखता है, अलग एज इन मतलब कम प्रोडक्ट्स यूज करो ना वो ज्यादा दिख के नहीं आता है, बट रियल लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये। लाइक आई कुड एक्चुअली वेयर दिस आई शेडो लुक ऑन अ एवरीडे बेसिस, इतना प्रिटी लग रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक। ओके, सो वी आर डन विद द आईज, अभी हम क्या करेंगे, आईलाइनर यूज करेंगे। ओके, सो फॉर आईलाइनर आई एम गोइंग टू यूज दिस लैक्मे लिक्विड आईलाइनर, सिर्फ 100 रुपीज में आता है, बहुत 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 अच्छा आईलाइनर है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस ब्लैक कलर आता है। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है वाटर प्रूफ है, बट एक्चुअली मैं सही बताऊँ मैंने कभी देखा नहीं, लाइक टेस्ट नहीं किया वाटर प्रूफ है या नहीं। सो हम अभी आईलाइनर लगाएंगे, मैं बहुत छोटा सा विंग्ड आईलाइनर बनाने वाली हूँ, एंड मैं लाइनर लगाते लगाते बात नहीं कर सकती हूँ, सो आई एम सॉरी। सो वी आर
आर डन विद द आई लाइनर. अभी हम लगाएंगे मस्कारा. सो फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस बेला वोस्टे मस्कारा. ये सिर्फ 299 रुपीज में है. बहुत ही अच्छा मस्कारा है एंड ये टर्न एंड ट्विस्ट होता है. लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस और नॉट. अभी ये फोकस नहीं कर रहा है बट यहाँ पे आप देखो टर्न एंड ट्विस्ट होता है. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. बहुत बार बोलूंगी, बिगनर हो, प्रो हो, कोई भी हो, ये मस्कारा प्लीज प्लीज खरीदो. ऑल्सो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. बहुत ही अच्छा मस्कारा है. लाइक मेरे आई लैशेज तो दिखते भी नहीं है बट ये मस्कारा यूज करने के बाद में लाइक यू कैन सी द डिफरेंस. लेट मी जूम यू गाइज इन सो दैट आप देख सको कि ये मस्कारा एक्चुअली कितना डिफरेंस करता है. सो बहुत ही प्यारा मस्कारा है एंड इसके जो ट्विस्ट होने की टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से इनर आइज पे भी मस्कारा अप्लाई करना बहुत ही इजी है. यू कैन सी दिस. आई डोंट नो वेदर इफ यू कैन सी द डिफरेंस और नॉट बट रियल लाइफ में ऐसे लगता है मेरी आई लैशेज जो है वो मेरे आईब्रोज को अभी टच ही करने वाली है. लाइक इतना अच्छा लेंथनिंग मस्कारा है. इफ यू गाइज डोंट हैव एनी आई लैशेज तो ये मस्कारा आपके लिए है. लाइक सीरियसली. ओके सो वी आर डन विद द मस्कारा एंड दिस इज हाउ माई आईज लुक्स लाइक. आई डोंट नो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को कैमरा पे दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरी जो आई साइट है वो पुअर हो चुकी है. मेरे को लग गए हैं स्पेक्स तो मुझे सही में नहीं दिखाई देता कि व्यू फाइंडर में मैं फोकस में भी हूँ या नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है. सो आई एम सॉरी अगर मेरी लाइक मैं आउट ऑफ फोकस हो रही हूँ या आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है. प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे कि नहीं दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि मुझे भी अच्छे से दिखे और आप लोग को भी. सो फॉर ब्लश आई एम गोइंग टू यूज द सिवाना कलर्स ब्लश पैलेट. दिस इज इन द पैलेट नंबर 2 एंड आपको इतने सारे ब्लश मिल जाते हैं प्लस एक हाइलाइटर मिल जाता है, एक कॉन्टोर शेड मिल जाता है एंड सारे ब्लशेस जो है वो मैट है. एंड इसके बारे में क्या ही बोलूँ यार, ये बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है. तो और ये शायद कुछ तो भी 300 रुपीज का है बट आप देख सकते हो कि इसका पिगमेंट कितना अच्छा है. लाइक एकदम थोड़ा सा लेने पे इतना सारा मतलब पिगमेंट देता है ये. और मैट ब्लशेस है ऑल्सो. यू आर गेटिंग सो मैनी कलर्स. लाइक इससे आप कभी बोर नहीं हो सकते हो, इतने सारे कलर्स है इसमें. सो या मुझे ब्लश को मिक्स करके लगाना पसंद है. इफ यू गाइज डोंट नो आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन आई एम अ ब्लश पर्सन. आई लव ब्लश अ लॉट. सो हम ब्लश 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 लगाएंगे. सो वी आर डन विद द ब्लश एंड नाउ द पार्ट ऑफ हाइलाइटर कम्स इन. हाइलाइटर के लिए आई एम गोइंग टू यूज द सेम आई शेडो पैलेट दैट आई हैव यूज्ड एंड उसमें से मैं सेम ग्लिटरी वाला शेड लगाऊंगी जो मैंने अपने लिड्स पे लगाया है. सो बस इसको थोड़ा सा लेके आप देख सकते हो कितना अच्छा हाइलाइट आ रहा है. क्योंकि मैंने बोला ना ये वाला जो आई शेडो है उसका पिगमेंट लाइक अलग ही लेवल पे. 499 का ये लगता भी नहीं है. लाइक इतना अच्छा इसका पिगमेंट है उसके हिसाब से इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए. लाइक ऐसे नहीं है मैं बोल रही हूँ प्राइस बढ़ाओ बट जिस हिसाब से सीरी शट अप. सो जिस हिसाब से लाइक इसका पिगमेंट है इसका प्राइस बहुत ही मतलब सही है. इतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये. लाइक आई कांट इवन बिलीव. तो वी आर डन विद द व्हाट हाइलाइटर. नाउ लिपस्टिक के लिए आई एम गोइंग टू यूज द NYB लिप क्रेयॉन एंड दिस इज इन द शेड 11 ए स्टेट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड फोकस या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. NYB का है एंड आई थिंक सिर्फ 199 रुपीज में है. दिस इज अ लिप क्रेयॉन. बहुत ही इसमें बहुत सारे शेड्स है एंड ऑब्वियसली दिस इज अ न्यूड शेड. सो या वी आर डन विद द लिपस्टिक एंड दैट वी कम्प्लीट आर मेकअप लुक. अभी मैं जल्दी से जाके थोड़े मेरे बाल सेट करके आती हूँ. सो या वी आर डन विद द मेकअप एंड या दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक यूजिंग जस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वीडियोज अच्छी लगती है तो शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड ऑल ऑफ दोज गुड थिंग्स. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.